गुड मॉर्निंग बच्चों. बच्चों आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, ठीक है, जिनका उत्तर आप हमें पूर्ण वाक्यों में देंगे. सामूहिक उत्तर नहीं दीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से उत्तर दीजिएगा. अब आप ये बताइए कि किसी देश सॉरी हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? शाबाश अनुराधा, बैठ जाइए. हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, है ना. किसी देश की मुख्य पहचान किस प्रतीक या चिन्ह से होती है? चलिए बताइए अनुराधा. वेरी गुड, बैठ जाइए. भारत देश के मुख्य प्रतीक या चिन्हों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों आज हम राष्ट्र प्रतीक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे. बच्चों आप ये बताइए ये किसका चित्र है? वेरी गुड. बच्चों हम राष्ट्रीय ध्वज को और किस नाम से जानते हैं, या इस ध्वज को हम किस नाम से जानते हैं, आप बताइए. बहुत अच्छा वंदना, आप बैठ जाइए. बच्चों राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा नाम से जानते हैं. ये इसमें क्रमशः 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक होता है, और बीच में बना चक्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहने का प्रतीक है. ठीक है, किसी भी राष्ट्रीय पर्व से पूर्व हम किस गीत का गान करते हैं? अनुराधा बताइए. वेरी गुड, बैठ जाइए. वंदना आप बताइए राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर. वेरी गुड, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं. बैठ जाइए. बच्चों किस हम अपने राष्ट्रीय पर्व से पूर्व, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इनसे पूर्व हम राष्ट्रीय गान का गान करते हैं, उसके बाद हम अपने पर्व को मनाते हैं. राष्ट्रीय गान को हम 52 सेकंड में गाते हैं, और इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं. बैठ जाइए. अब आप लोगों को जो मैंने अभी पढ़ाया है मैं उससे कुछ प्रश्न पूछूंगी. आप बताइए कि हमारे ध्वज को हम और क्या किन नामों से जानते हैं? वेरी गुड, हम राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं, या हम तिरंगे के नाम से जानते हैं. अब आप हमें ये बताएं कि तिरंगे का अनुपात, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? यस मुक्ति. तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3:2. वेरी गुड, बैठ जाइए. तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होती है. ठीक है, बच्चों आप ये बताइए कि हम राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाते हैं? हाँ अनुराधा, चलिए रूपाली आप बताइए. बहुत अच्छा रूपाली, बैठ जाइए.
बात नहीं करिए आप लोग। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है अनुराधा, आप बताइए। वेरी गुड अनुराधा, बैठ जाइए। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बात नहीं करिए। बच्चों आप सब लोग ये चंपट कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। जमाला आपने उतारा, रूपाली आपने लिख लिया है ये। तो बच्चों अभी तक आपको मैंने जो भी पढ़ाया है राष्ट्र प्रतीक के बारे में, मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनका आप लोग उत्तर देंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आप हमें बताएंगे एक एक करके। राष्ट्रीय ध्वज का हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वेरी गुड, आइए लिखिए। वेरी गुड वंदना, जाइए बैठ जाइए। श्वेत रंग का प्रतीक है, आइए अनुराधा। श्वेत रंग किसका प्रतीक है लिखिए। श्वेत रंग किसका प्रतीक है? श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। वेरी गुड। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, आइए लिखिए। राष्ट्रीय गान अलग है और राष्ट्रीय गीत अलग है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, चलिए बैठिए। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह किसी एक राष्ट्रीय चिन्ह को लिखना है आप, आइए आइए। अशोक चक्र, चक्र गुड, जाइए बैठिए। राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां होती हैं, आइए वंदना बताइए राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं, आइए लिखिए। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं, ओके। तो बच्चों आपको पाठ पूरा समझ में आया है, राष्ट्रीय प्रतीक आपको समझ में आ गए हैं, ओके। तो आपका होमवर्क है, आपको भारत के राष्ट्र प्रतीक के बारे में विस्तृत अध्ययन करके आना है। Thank you.
थैंक यू क्लास। दीदी।